फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल हुए माँ। मैं नीलिज प्रिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ टू कंट्रोल फेस फॉर बिगिनर्स। तो मैंने अपने फेस के ऊपर प्राइमर, फाउंडेशन और जो भी बेसिक मेकअप है वो लगाया हुआ है। मैं अभी आपको कंट्रोलिंग करना सीधा बताऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है प्रो का कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोलिंग करने का सबसे पहले जान लो फेस के ऊपर रहता है। किसी किसी का रेक्टेंगल फेस रहता है, किसी किसी का ओवल फेस रहता है, किसी किसी का ओवल रहता है, हार्ड शेप रहता है। ऐसे अलग अलग फेस कट के हिसाब से कंट्रोलिंग होता है। अभी मेरा फेस है राउंड शेप, तो मैं राउंड शेप के हिसाब से आपको बताऊँगी कंट्रोलिंग कैसे करता है। ठीक, कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है? कंट्रोलिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि फेस का चीक बोन ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसको शेप में दिखाने के लिए, डबल चीन रहता है तो उसको चीन को थोड़ा सा कम दिखाने के लिए। कम तो नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोलिंग करने से आपका फेस शेप थोड़ा सा कम दिखेगा। नोज़ का शेप अच्छे से दिखने के लिए, किसी किसी का ये शेप ब्रॉड रहता है तो वो शेप अच्छे से दिखने के लिए कंट्रोलिंग किया जाता है। और कंट्रोलिंग के साथ हाइलाइटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज आपको दोनों दिखाऊंगी, हाइलाइटिंग, कंट्रोलिंग एंड ब्लशिंग ऑल्सो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल स्टिक लेंगे। आपके पास जो भी कंट्रोल स्टिक है आप उसे कर सकते हो। हमेशा अपने ईयरबोन का, अपने ईयर का स्टार्ट और आँखों का स्टार्ट, यहाँ से आँखों का स्टार्ट, ये देखो अपने बोन का एंड, ठीक है। इसके बाद सेम इस साइड में भी, कैन यू सी गाइस? सेम अपना फोरहेड अगर बड़ा है तो उसको भी छोटा कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी छोटा है बट मैं आपको बता रही हूँ। नोज को अपने आँखों का स्टार्ट वहाँ से लेके स्ट्रेट करना है हमेशा। जब हम ये वाला ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और नीचे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैन यू सी गाइस? यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में सेम। अच्छे से ब्लेंड करना है और ब्लेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास ब्रश नहीं है, आप हाथों से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने नोज को भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सी गाइस डिफरेंस?
अभी मैं हाईलाइटिंग, सबसे पहले अपने जो एरिया है जिसको हमें हाईलाइट करना है उसको सेम में मैंने हाईलाइटिंग ये बना लिया हुआ है। अच्छे से ब्लेंड करना है। सी गाइस, अभी मैं हाइलाइटर, ये वाला हाइलाइटर है मेरे पास, अपने ये एरिया को हाईलाइट करना है हमें। अगर ये एरिया हम हाईलाइट करेंगे तो ये वाला एरिया अपने आप थोड़ा सा छोटा दिखेगा। आपको समझ रहे हैं ना? ओके, ये रहा कंटूरिंग करना, इजी वे। तो गाइस, कैसे रहा मेरा वीडियो? आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करो। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में। बाय।